Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. आज हम ASP.NET database access की बात करेंगे. ASP.NET allow the following sources of data to access and use. Databases उसमें access आ सकती है, SQL server आ सकता है, Oracle आ सकती है और MySQL आ सकती है. सारे databases से नहीं करता है. XML documents, business objects and flat files. ASP.NET hides the complex processes of data access and provide much higher level of classes and objects through which data is accessed easily. These classes hide all complex coding for connection. जितनी भी आपकी high level किस्म की उनकी coding होती है ताकि वो connection establish हो जाए. असल में सबसे पहला मरला ही आपका connection establish करना. आज हम इसके आगे फर्दर पढ़ेंगे कि हम किस तरह से एक फ्री वेब होस्टिंग साइट बनाते हैं. उसके ऊपर हमने या आप लोगों ने जो असाइनमेंट मैंने दी थी छोटी सी उसके ऊपर हम रन करके देखें कि क्या आया वहां पे एप्लीकेशन आपकी .NET वाली वहां पे रन होती है कि नहीं होती. डेटा रिट्राइविंग, डेटा क्यूरिंग, डेटा मैनिपुलेशन. ADO.NET इज द टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड द ब्रिज बिटवीन वेरियस ASP.NET कंट्रोल्स. ADO.NET जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके जरिए आप एक ब्रिज का काम करते हैं आपके डिफरेंट ASP.NET कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स एंड द बैक एंड डेटा सोर्स को वो इकट्ठा करते हैं. इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लुक दैट डेटा एक्सेस एंड वर्किंग विद द डेटा इन ब्रिज. रिट्राइव एंड डिस्प्ले डेटा. इट टेक्स टू टाइप्स ऑफ डेटा कंट्रोल टू रिट्राइव एंड डिस्प्ले डेटा इन ASP.NET. A data source control. It manages the connection to the data, selection of data, and other jobs such as paging, caching of data. Paging कहते हैं अगर आपके बहुत ज़्यादा page data आ रहा है हज़ारों लाखों हैं तो वो फिर आपके page बना देता है कि भाई इतने pages तक. Caching होता है उसको store करता है थोड़ी देर के लिए ताकि अगला page आपके लिए आसानी से प्राप्त किया जा सके. A data view control, it bind and display the data and allow data manipulation. Manipulation कहते हैं कि उस data को इस्तेमाल करते हुए आपको result orientation दिखाई दे. We will discuss the data binding and data source control in the detail later. In this section, we will use a SQL data source control to access data and a grid view control to display the manipulated data in this chapter. We will also use an access database which contains the detail about .NET books available in the market. Name of the database is ASP.NET step-by-step.mdb. And we will use the data table .NET reference. The table has the following columns: ID, title, author name, author last name, topic and publisher. जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं ID, title, author name. Here is the snapshot of the data table. Create a website and add a SQL data source on the web form. अब आप आ जाएं और फिर यहाँ पे एक एप्लीकेशन हम बनाते हैं और उसमें हम SQL data source देंगे. अब यहाँ पे आने के बाद configure data source option. जब वो configure data source option पे आ जाएगा तो हम उसको configure करेंगे. Click a new connection button to establish a connection with the database. आपने उसका database के साथ अब ये क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डीबी के साथ कर रहा है ओले डीबी के साथ तो हम इसको देखते हैं. लेकिन आप MySQL सर भी दे सकते हैं, SQL सर्वर सर भी दे सकते हैं. इट डिपेंड अपॉन योर चॉइस. वंस द कनेक्शन इज सेट अप मे आल्सो सेव. और जब आपके पास आ जाएगा आप इसको सेव करेंगे एंड देन सेलेक्ट द कॉलम नेक्स्ट टू द कंप्लीट द स्टेप्स. ऑब्जर्व द वेयर ऑर्डर बाय और ये सारी कमांड्स आपने इसको करनी. एड अ न्यू Add a grid view control to the form. Choose the data source and format the control using the auto format. और जब आप इसको कर लेंगे तो आपका ये data source इसके साथ connected हो जाएगा. Finally execute the application and you will see this thing. And after that आप इसको run करके देखेंगे तो ये सारा code इसके पीछे automatically generate हो चुका होगा. जैसे यहाँ पे ID form है, SQL data source आएगा, ये सारा उसका कोड है. मैं आपके साथ एक एप्लीकेशन पे आ रहा हूं. आप लोगों के लिए मैंने एक यहां पे खोला है न्यू वेबसाइट. ले लेते हैं
पहले दिन से बात हो रही है कि एमवीसी एक फ्रेमवर्क है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, दैट वाज अनदर थिंग एंड डिफॉल्ट वेबसाइट होना है एक और से। आप यहाँ पे वेब फॉर्म साइट ले लें, ऑफ डेटाबेस, मैं ये डेटाबेस की कह रहा हूँ। जाहिर सी बात है कि अगर ये वेब फॉर्म ले रहे हैं तो इसके साथ तो सारी उसकी फंक्शनैलिटी, लॉगिन, यूजर वाली सारी आ चुकी होंगी। इट मीन्स ये डेटाबेस इसके अंदर क्रिएट हो चुका हो। अच्छा, अगर आप यहाँ पे आए, आप सबसे पहले आप देखें कि ये एक एप्लीकेशन है, हमने इसको गूगल क्रोम में रन कीजिए। हमने एक डिफॉल्ट वेबसाइट ली है और इसको आप रन कीजिए। अच्छा, अगर आप यहाँ पे आके देखें तो एप्लीकेशन आपकी रन हो रही है और यहाँ पे आप रजिस्टर करें, रजिस्टर पे आप क्लिक करें तो आपके पास ये, जैसे फॉर एग्जांपल सैफला डार पीके और पासवर्ड दे रहे हैं। इसको रजिस्टर करवा रहा है। अब ये सारा डाटा आपका डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है। ये पासवर्ड आपका सेव कर रहा है, ये देखें ऊपर हेलो सैफला डार पी के। अब ये लॉग ऑफ में कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाने के लिए कि जब मैं लॉगिन करूँगा तो अब मेरे पास पहले से ये मौजूद है। अब मैं रिमेम्बर मी, ये सारे पेजेस आपके पास बने हुए हैं, आप डेटाबेस से ये रिट्राइव करके आपको वंस अगेन उसमें लॉगिन कर। असल मकसद ये था कि डेटाबेस से जो वैल्यूज आपकी रिट्राइव होती हैं उनको हमने कैसे करना। आप जरा यहाँ पे आएंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में तो आप एक ऐप कोड देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है बंडल कॉन्फ़िगरेशन, आइडेंटिफाई मॉड्यूल, रूट कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप ऑथेंटिकेशन। सिमिलरली अकाउंट के अंदर आप आके देखें तो आपको लॉगिन डॉट एएसपी, मैनेज डॉट एएसपीएक्स, रजिस्टर डॉट एएसपीएक्स, रजिस्टर एक्सटर्नल लॉगिन डॉट एएसपी, जिन चीजों को आप चाहते हैं कि ये लॉगिन के थ्रू चले आप उनका एक अलग फोल्डर बनाएंगे और उनके ऊपर की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होंगी। इसी तरीके से बिन में आके देखें, ये तमाम डीएलएल है। कंटेंट में आके देखें, यहाँ पे बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस है ताकि बूटस्ट्रैप चलाई जा सके, और एक साइट डॉट सी एस एस है, एक फॉन्ट्स है, ग्लिफ आइकॉन्स वगैरह दिए हुए हैं और स्क्रिप्ट्स हैं जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन है, जैसे जे क्यूरी है और इसी तरह से एजैक्स है, वो आपकी वेब फॉर्म्स के अंदर है। ये कुछ इस तरह से आपकी ये प्रोजेक्ट की सूरत हाल बनती है। अब डेटाबेस कहाँ है? डेटाबेस जो है आपका सर्वर एक्सप्लोरर में आए तो एक डाटा कनेक्शंस में आप देखेंगे कि ये डिफॉल्ट कनेक्शन ऑटोमेटिकली उसने आपका फॉर्म कर चुका है। अब इसको आप जरा ओपन करें टेबल्स में तो ये टेबल्स ऑटोमेटिकली बनाई हुई, जैसे asp.net roles, asp.net users, user roles, logins। अब जैसे आप रजिस्टर करते हैं asp.net users तो आप देखेंगे कि जो वहां से फील्ड लिए इसमें ईमेल, ईमेल कंफर्म, पासवर्ड, सिक्योरिटी स्टैम्प, फोन नंबर, लॉक आउट और इस तरह की इंफॉर्मेशन है। यूजर रूल्स हैं, इसमें यूजर आईडी और यूजर वगैरह हैं। अगर आप चाहें अब हम इसी तरीके से एक अपना
डेटाबेस बनाने के लिए जाते हैं, ये तो सब बना बनाया, ताकि उसका सारा कनेक्शन कहाँ एस्टेब्लिश हुआ हुआ है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर। वो आप यहाँ पे आएंगे, डिफॉल्ट के नीचे आएंगे, आप साइट वेब डॉट कन्फिग फाइल होगी, आप इसको ओपन कर लें। यहाँ पे एक होगा डिफॉल्ट कनेक्शन, ये आप देख रहे हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू डाटा सोर्स लोकल डीबी कैटलॉग ASP.NET फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डेटाबेस, ये आगे सारी आपकी इंफॉर्मेशन है, और डाटा डिक्शनरी ASP.NET सच काइंड ऑफ। कन्फिग डॉट वेब डॉट कन्फिग, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अब मैं बिल्कुल एक आपको बताया कि अगर आप वेब फॉर्म लेते हैं तो कंप्यूटर आपकी कनेक्शन भी एस्टेब्लिश कर देता है, आपका सारा कुछ वहां पे एस्टेब्लिश कर देता है, लेकिन अब आपने अपनी एक फाइल के साथ ये काम परफॉर्म करना है। तो अब मैं एम्प्टी लूंगा, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ले लें या एक वेबसाइट ले लें। अब एम्प्टी आपने लिया है, कनेक्शन विद डेटाबेस, अब मैंने एम्प्टी ले रहा हूं। एम्प्टी में मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आप आए, इसमें आप एक ही फाइल नजर आएगी आपको, वो है वेब डॉट कन्फिग। अगर आप वेब डॉट कन्फिग करके देखें तो इसमें कोई कनेक्शन आपको नजर नहीं आ रहा, देखो प्लेन है। अब सबसे पहले हम डेटाबेस इंस्टॉल करें, ये देखें, आप राइट क्लिक करें, ऐड कराएं, ऐड न्यू आइटम या फोल्डर या डेटाबेस आप करना चाहते हैं, न्यू आइटम करें, वीओ सी शार्प है, हमेशा उसके ऊपर होता है, क्लिक करेंगे तो उसी में आएगा। अब यहां से आप देखना शुरू करें, स्टाइल शीट आती है सीएसएस के लिए, वेब फॉर्म्स, मास्टर पेज, वेब यूआरएल, ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, ब्राउजर फाइल, क्लास। आप देखेंगे किसी किसी आपको कुछ डेटाबेस को नजर आए शायद, ये आपको नजर आया एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, आप इसका नाम database.mdf या जो भी रखना चाहते हैं आप इसका नाम रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं रखना चाहता हूँ पाक के नाम से या फर्स्ट के नाम से रख लेता हूँ, ऐड करता हूँ। जब आप इसे ऐड करेंगे तो ये मैसेज को पढ़ें कि ये क्या कह रहा है, यू आर अटेम्प्टिंग टू ऐड अ स्पेशल फाइल टाइप डेटाबेस टू द ASP.NET फाइल, आप एक नई ऐसी फाइल ऐड करने जा रहे हैं जो पहले नहीं है। In general, it is used to type on an item of your site. You should place it in app data. और ये साइट का ये रूल है कि आप एक app data की डायरेक्टरी बनाए और उसमें आप अपना डेटाबेस रखो। कहता है कि do you want to place the file in the app data folder? और आप इसे हमेशा yes कीजिए। ये एक डेटाबेस भी बनाएगा और एक फोल्डर बनाएगा, जैसे ये आपने देखा कि ऐप डाटा का एक फोल्डर बनाया है और उसके अंदर आपकी कौन सी फाइल रख दी उसने, first.mdf। और अगर आप इधर आके देखें तो यहाँ पे आप डाटा कनेक्शन के अंदर उसने first.mdf भी रख दिया। आप इस पर एक दफा कनेक्शन को वहां से एस्टेब्लिश करें। अब जरा आके आप इसको दोबारा से कनेक्शन आपने एस्टेब्लिश करना है तो वो एस्टेब्लिश हम बाद में करेंगे। जैसे अगर इसी में मैं करना चाह रहा हूं, ये कनेक्शन स्ट्रिंग्स यहां पे कॉन्फ़िगर सोर्स आप यहां पे सर्वर एग्जांपल पे आए, इस पे क्लिक करें, आपका ये डाटा सोर्स पड़ा हुआ है कनेक्शन स्ट्रिंग,
जिस तरह हम इसको पहले उठाते हैं इसको उठा लीजिए। और इस जगह पे ये रख दीजिए। सिर्फ मसला यहाँ पे आएगा कि जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि ये फॉर्म फीड है, ये डबल आप यह लगाइए इस तरह एरर ये रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि आप डबल कोर्स में हो तो ये आप नहीं लगा सकते। जिस तरह से यहाँ पे आपने कनेक्शन स्ट्रिंग देते हैं इसका एक नाम होता है एड नेम इज इक्वल टू डिफॉल्ट कनेक्शन, आगे कनेक्शन स्ट्रिंग है और वो एंड तक इसी तरीके से चल रहा होता है। आगे आपने सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट देना हो तो वो दे सकते हैं। आप यही वाली चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने जो इतनी सी ये लाइन दो लाइन है ये आपने इसके अंदर भी लिखनी है। ये नाम देने से फायदा ये होता है कि अगर दो एक से ज्यादा हैं तो आपको ये तसल्ली रहती है कि कौन सा कनेक्शन है। अब ये जो लाइन इसके अंदर लिखी है मैं ये मिटा रहा हूं, ये अगर आपको इतनी नहीं पता चल रहा इसके अंदर, जब अभी अभी तो ये यहाँ पे आप बना रहे हैं लोकल होस्ट के लिए, जब आप इंटरनेट पर फेंकेंगे तो सिर्फ आपको यहीं पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। अब आप सर्वर एक्सप्लोरर पे आते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, आपको बार बार नजर आता है वो शायद, यहाँ पे क्लिक करके जो भी डेटाबेस है आप यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाए, यहाँ से इसको कॉपी करें और इस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर फेंक दीजिए। जब आप इसको ऐसे फेंकते हैं जैसे ये किसी ने कहा कि इसको सिंगल इन्वर्टेड डबल कोर्स के अंदर सिंगल कोर्स आ सकती हैं और सिंगल कोर्स के अंदर डबल कोर्स आ सकती हैं। अगर आप इनको हटा दें तब भी एक जैसे मिलेंगे। सीधा फर्क ये है कि जहां पे भी आपको ये बैक स्लैश नजर आए वहां पे इसको दो दफा बैक स्लैश दे दें, क्योंकि ये सिंगल फॉर्म फीड के ऊपर है। बस इतना सा काम आपने करना है। अब अगला मरला है एक न्यू फाइल डालने का, एड न्यू आइटम। इसमें मैं एक डिफॉल्ट ले लेता हूँ, वेब फॉर्म डिफॉल्ट डॉट ए एस पी एस। अब ये एक वेब फॉर्म मैंने ले लिया डिफॉल्ट डॉट ए एस पी एस। अब हम ये कनेक्शन चेंज करके, ये डिफॉल्ट वेबसाइट है, अब इसके अंदर मैं एक टाइटल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टाइगर फोर ईयर पर्सन। इसको रिफ्रेश कर लें, आप ऊपर देखेंगे डिफॉल्ट कनेक्शन ऑटोमेटिकली डिवेलप हो गया। ऊपर जिसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूं। अब हम यहां पे एक टेबल्स के अंदर मैं एक न्यू टेबल ऐड करता हूं, ऐड न्यू टेबल।
और मैं इसमें यूजर पे एक बनाता हूँ इंफॉर्मेशन के लिए. आपके सामने एक dbo डॉट टेबल ओपन हो जाएगी. अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आईडी इंटीजर और फॉर एग्जांपल यूजर नेम कर लें. यूजर नेम उसी तरीके से जिस तरह आप डेटाबेस बनाते हैं एन वेरिएबल कैरेक्टर अलाउ नल हटा दें क्योंकि नल नहीं हमें इसको करना. यूजर पासवर्ड लेट्स सपोज यूजर ईमेल यूजर एड्रेस इसके बाद आप टेबल का नाम दे दें. यूजर के नाम से मैं बना रहा हूं और इसको अपडेट कर दीजिए. अपडेट डेटाबेस के बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे ऊपर किनारे पे यहां. अब आप रिफ्रेश करें इसे. अब टेबल यूजर की आपको नजर आ रही क्रिएट हो चुकी. इस पर राइट क्लिक करें और आप इसके अंदर शो टेबल डाटा करवा लीजिए. मैं अपने कुछ यूजर डाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल सैफुल्ला डार फॉर एग्जाम्पल महनूर पासवर्ड और ईमेल मेरा सैफुल्ला डार pk@gmail.com एड्रेस हाउस नंबर 550 शादमान लाहौर. आपने क्योंकि ऑटो नंबर नहीं दिया हुआ इसलिए यूजर की आईडी आपको खुद हाथ में देनी पड़ेगी. अगर ऑटो नंबर कर देते तो ये मसला नहीं होता. आमिर और पाकिस्तान का पासवर्ड आमिर तो फैल हाउस नंबर क्या है तुम्हारा 23 कैंट आसम लाहौर इसका पासवर्ड कर लेते हैं asim@gmail.com और फिर इसके अंदर ब्लॉक नंबर 12 इस्लामाबाद. इसके बाद इसको रिफ्रेश कीजिए. डाटा इज रिफ्रेश अकॉर्डिंग टू दैट. अब ये काम हो चुका है कि आपका डेटाबेस बन चुका है एस्टेब्लिश हो चुका है उसमें कुछ वैल्यूज आ गई. अब हम ये करते हैं कि इसको डिस्प्ले करवा के देखते हैं कि ये वैल्यू हमारी रिट्राइव होती है कि नहीं. यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ ताकि बेहतर हो जाए. H1 बेहतर होता है कि ये फॉर्म से ऊपर से दें. आप चाहें तो डिजाइन व्यू में भी कर सकते हैं.
इसमें मैं देखना चाहता हूँ यूजर अकाउंट इंफॉर्मेशन, इसको मैं H1 करूंगा, इसको मैं सेंटर में अलाइन कर रहा हूँ, जस्टिफाई सेंटर। अब यहाँ पे आप टूल बॉक्स में आ गए, जनरल की बजाय आप डाटा वाले टूल्स पे आ गए, तो यहाँ पे आपको डाटा लिस्ट है, डाटा डिटेल व्यू है, लिंक डाटा है, ग्रिड व्यू है। आप इसमें एसक्यूएल डाटा सोर्स जो आज आपको पढ़ाया मैंने, आप इसको क्लिक कर दें। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर डाटा सोर्स आ जाएगा, कॉन्फ़िगर करवाएं। आपसे वो पूछेगा कि विद डाटा कनेक्शन शूट योर, अच्छा वो जो मैंने आपको शुरू में कनेक्शन बताया था, अगर आप वो नहीं भी करते, जैसे लेट्स सपोज मैं आपको समझाने के लिए, तो मैंने आपको दोनों वेज करने थे, जैसे ये कहा गया वेब कन्फिग, इसमें यही फाइल हमने लिखी है ना अभी तक, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कुछ नहीं रखता, हो सकता है गलती हो जाए, उसका कनेक्शन सही ना बन रहा है, लाइन का कोई इशू हो जाए, बताना मकसूद था। लेकिन अब आप यहाँ पे वापस आए डिफॉल्ट में, इस पर जब आप क्लिक करेंगे वो कॉन्फ़िगर डाटा सोर्स रहेगा। अब आप देखें तो यहाँ पे डिफॉल्ट कनेक्शन वगैरह आ रहा है, लेकिन हमने नहीं लेना, आप कहेंगे न्यू कनेक्शन, तो आपके साथ वो डाटा बेस ओपन हो जाएगा जहाँ से आप कनेक्ट कराना चाहते। अगर आपने वो किया हुआ है रिफ्रेश कर लें, चेंज करना चाहते हैं, यानी माई एसक्यूएल सेट करवाना चाहते हैं और एक्सेल सेट करवाना चाहते हैं, जिस पर भी करना चाहते हैं, जिस तरह आप लोग सी शार्प में करते थे, सेम आपने यहाँ पे। लेट्स सपोज अगर मैं माई एसक्यूएल सेट करता हूँ, ओके, लोकल होस्ट लिखता हूँ, रूट है मेरा, पासवर्ड ओके है, टेस्ट कनेक्शन ओके है, तो आई कैन गेट ऑल द डेटाबेसेस लाइक दिस, ओके हो गया। मुझे नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ जी मेरा तो एक सिस्टम के अंदर ही डेटाबेस बना हुआ है, first.mdh, मुझे वो चाहिए। आप देखेंगे कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग पूरा वही दिया हुआ है, डाटा सोर्स जो आपने उस तरह से प्रॉपर्टी से उठाया हुआ था। आप इसको नेक्स्ट कर दें, इस पेज को पढ़े अच्छी तरह, सेव द कनेक्शन स्ट्रिंग टू द एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो आपकी फाइल है इसको मैं आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेव कर दूं, स्टोरिंग कनेक्शन स्ट्रिंग्स इन द एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल सिंप्लीफाई मेंटेनेंस एंड डिप्लॉयमेंट, टू सेव द कनेक्शन स्ट्रिंग इन एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंटर अ नेम इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड देन क्लिक नेक्स्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ माय कनेक्शन, मेरा नाम है, नेक्स्ट कर दीजिए। आपके पास अभी हमने जो टेबल बनाई थी दैट यू कैन सी दैट इट विल बी ट्राइड, आप सब इसके अंदर से क्या देखना चाहते हैं, यूजर नेम अगर सारे देखना चाहते हैं तो देन यू क्लिक इट, ये नीचे आ रहा है सिलेक्ट क्वेरी फ्रॉम यूजर्स, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट में बात करेंगे वेयर और ऑर्डर बाय क्लास की, नेक्स्ट कर दीजिए। टेस्ट क्यूरी कीजिए, आपकी अगर क्यूरी ठीक रन हो रही है तो डाटा विल बी डिस्प्ले इन दिस फॉल्डर, अगर एरर है तो उसको दूर करके फिर आप जाएंगे। ये आपका फिनिश हो गया। अब आप देखेंगे कि वेब डॉट कन्फिग के अंदर अपने आप ये ऊपर देखें कनेक्शन स्ट्रिंग इस्टेब्लिश हो चुका है कि नहीं हो चुका। अच्छा, आप देखेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आप देखेंगे ऐप डाटा नजर आ रहा है आपको, इसकी first.mdf के साथ एक log.ldf भी बनी हुई है। मैं इनको बंद कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। वेब कॉन्फ़िगरेशन तक भी जो काम हमने बताना था वो बता दिया। अब मैं इसको कंप्यूटर पेज के ऊपर कैसे डिस्प्ले करवाऊँ, तो आप यहाँ से ग्रिड व्यू ले, ये ग्रिड व्यू मैंने रख दिया। अब आप यही काम अलग से भी एसक्यूएल में हो रहा है, लेकिन आप चाहते तो डायरेक्ट ग्रिड व्यू उठाते तब भी ये काम प्रोसेस हो जाता, लेकिन मेरा मकसद था कि
आपको डेटा के अंदर एक टूल का और पता चल जाएगा। आप चूज डेटा सोर्स करेंगे तो अभी देखेंगे एसक्यूएल डेटा सोर्स हमने पहला बना दिया हुआ, आप इसी को सिलेक्ट कर दीजिए। आपके सामने ये इस तरह से आएगा, इसमें आप एक होगा ऑटो फॉर्मेट, मुख्तलिफ किस्म के आपके पास स्टाइल हैं, आप अप्लाई कर दीजिए ये नीला बैकग्राउंड से और अब आपका काम खत्म हो चुका है। आप इसको गूगल क्रोम के ऊपर रन कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि डेटाबेस से ये वैल्यूज रिट्राइव हो रही हैं, ये सारी की सारी। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।